हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाने वाले हैं होंडा यूनिकॉर्न के अंदर या फिर किसी भी बाइक में हैंडल स्विच जाम हो जाते हैं तो उसको किस तरीके से रिपेयर करें बिना उस स्विच को ओपन किए। सो आप देख रहे हैं एस एडवाइस, मेरा नाम है समीर। सो लेट्स स्टार्ट इट। सब्सक्राइब कीजिए एस एडवाइस चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए हमारे मैकेनिकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। बिना ओपन के रिपेयर करने के लिए आपको इस जेव के 88 स्प्रे को बाय करना होगा, जो कि आपको 100 रुपीज़ में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ऑनलाइन लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहे तो जाके बाय कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके कैप को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे एक छोटा सा पाइप दिया जाता है, उस पाइप को हम इस स्प्रे के अंदर इन कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद में इसको थोड़ा सा रोटेट करके बिठा देंगे प्रॉपर। बिठाने के बाद में जैसे आप इसको प्रेस करेंगे, ये जो है स्प्रे बाहर निकल जाएगा कुछ इस तरीके से। तो इसकी तरीके से चलिए अब इसे स्प्रे करते हैं इस तरीके से। तो बेसिकली ये होता क्या है, बारिश का पानी जब भी आता है आपके स्विचेस में पानी जाकर वो जाम हो जाते हैं स्विचेस, और थोड़े दिन ऐसे ही हम इसे छोड़ते हैं तो जाते जाते ये अंदर से जंग खाना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे बेहतर है आप इसे ओपन करके एमरी उमरी मारकर फिट करने से बेहतर है आप इस 100 रुपीस वाला स्प्रे बाय कर ले। बाय करने के बाद में इंडिकेटर के स्विचेस में और जहाँ पे भी आपके स्विचेस जाम होते हैं वहाँ पे आप इसको स्प्रे कर दीजिए कुछ इस तरीके से। आप इसे 7 से 8 मरतबा ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप इंडिकेटर के स्विचेस पे और हारन के स्विचेस पे स्प्रे कर लें, इससे आपके बाइक के जो स्विचेस है न्यू कंडीशन जैसे हो जाएंगे। तो चलिए मैं उसके अपर डिपर वाले स्विच पे भी स्प्रे कर देते हैं। आप चाहे तो आपकी बाइक का पास स्विच जो है वो पास जिससे हम मारते हैं उससे भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके हेडलाइट के स्विच पर नज़र डालते हैं। तो इस साइड का भी स्विच सेम ही है, जैसे हम इसको ऑन करते हैं अगर से इसके अंदर पानी वानी रहेगा तो एकदम सडन से ऑन नहीं होगा, थोड़ी देर बाद इसको हला हला के ऑन करना पड़ेगा। तो इसके अंदर का जो कनेक्शन रहेगा वो प्रॉपर नहीं टच होगा इस वजह से। तो चलिए अब हम इस साइड में भी स्प्रे कर देते हैं। तो इस तरीके के दोनों पे हम स्प्रे कर लेंगे, सेल्फ स्विच के ऊपर भी और हेडलाइट स्विच के ऊपर भी। अगर से आप मेरा वीडियो देखकर आपकी बाइक में इंजन किल स्विच इंस्टॉल करके हैं तो उस स्विच पे भी आप इसको स्प्रे कर दें ताकि ये स्विच भी जाम ना हो, ये भी बारिश के समय जाम हो जाते हैं। तो इस साइड में भी हम कर लेंगे। इसमें मैंने इंस्टॉल किया हैंडल बार लाइट का स्विच और पार्किंग का स्विच और इंजन किल स्विच। तो हम इसके तीनों स्क्रूओं पे भी स्प्रे करते हैं। अगर से आप भी मेरा वीडियो देखकर इन तीनों स्विचों को इंस्टॉल करके हैं यूनिकॉर्न में तो आप भी स्प्रे भी कर लें। इस स्प्रे को आप बहुत सारी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी स्क्रू या फिर बोल्ट जाम हो जाता है आप वहाँ पर भी मारकर इस स्प्रे को ओपन कर सकते हैं। और ये जो हमारा ये जो लास्ट वाला है, ये जो है हैंडल लाइट का स्विच है, ये भी थोड़े दिन पहले जाम हो गया था बारिश की वजह से। तो हम इसके साथ साथ हम इस पे इग्निशन पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। इग्निशन लॉक जो है वो बारिश के समय वो भी थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो आप उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस स्प्रे को। तो चलिए मैं भी अब इसे लगा लेता हूँ। तो बस इस इग्निशन के अंदर स्प्रे करने के लिए आपको बस आपकी की को थोड़ा सा अंदर की साइड इंसर्ट करना होगा, उसके बाद में स्प्रे के जो पाइप है उस पाइप को आप अंदर की साइड डालने के बाद थोड़ा सा इसको प्रेस कीजिए। जैसे ये प्रेस करेंगे हमारा इग्निशन जो है वो भी फ्री हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये भी, अगर से कुछ बाइकों के अंदर हैंडल लॉक होने में प्रॉब्लम आता है तो कुछ इस तरीके से आप स्प्रे करने के बाद वो भी इजीली हो जाएंगे। तो इतने सारे चीज़ आप स्प्रे में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गैस, आप सोच रहे होंगे ये मैकेनिकल वीडियोस के साथ एक और सा व्लॉग आ गया। तो गैस मुझे बहुत दिनों से आप लोग कमेंट कर रहे थे डेली व्लॉग बनाओ, तो गैस मैंने डेली व्लॉग यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया जिसका नाम मैंने रखा है एस एडवाइस व्लॉग यूट्यूब चैनल। तो इसके अंदर हम डेली व्लॉग अपलोड करेंगे। अगर से आप इस चैनल पर जाना चाहते हैं आप यूट्यूब पर सर्च मार सकते हैं एस एडवाइस व्लॉग, जैसे आप मारेंगे हमारा वो चैनल आ जाएगा। मैंने इस चैनल को एस एडवाइस के फ्यूचर चैनल में भी ऐड किया है, आप कहते हैं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी इस चैनल का दे दूंगा। सो गैस आप समझ चुके होंगे। सो एंड आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड्स में, कोई भी सवाल रहता तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून, खुदा हाफिज़।